हाय रीज और मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंथ ऑफ मई जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। आई एम रियली सॉरी कि वीडियोस काफ़ी लेट में बना रही हूँ इस महीने, लेकिन वक्त की बहुत ज़्यादा कमी थी और इंग्लिश की वीडियोस में नहीं बना पा रही हूँ इसी कारण से। पर फिर भी क्योंकि मई का महीना जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं COVID-19 के कारण, तो इस सारे सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वीडियोज़ बनाना ज़रूरी है और आप सब लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है कि आप लोगों का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है, मई का क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए शुरू करते हैं, मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो एरिस, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने मन से डर को थोड़ा सा निकाल दें। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक आप काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं और दूसरा आप डर बहुत ज़्यादा रहे हैं, और उस डर के कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके साथ में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं, और हमें इन जनरल तो गाइडलाइंस मिल रही हैं, उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन में हैं, किसी चीज़ के साथ पर्टिकुलरली रिलेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली अलग तरह से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं या ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं और उनको वो फॉलो करनी पड़ रही हैं। तो वो डेफिनेटली फॉलो कीजिए, लेकिन उन सारी इंस्ट्रक्शंस को अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा हावी ना होने दीजिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कुछ होने वाला है या मुझे कुछ हो रहा है। ये एक चीज जो है इसका आपने इस महीने बहुत ध्यान रखना है। जस्टिस ओरिएंटेड मंथ है अगेन, और जस्टिस का कार्ड शुरू में ही आया है, तो शुरू में ही हो सकता है मंथ के आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़े, और जिस तरह के कार्ड्स हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज जिसके होने का आप वेट कर रहे थे, कुछ ऐसे सिचुएशन जिसमें आप डिसीजन लेने का वेट कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं पता था कि ये सिचुएशन आने वाली है और मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, वो सिचुएशन फाइनली आ गई है, तो वो जो वेट है वो आपको अब पूरा खत्म हो रहा है और उसके बाद आपको डिसीजंस लेने। इन डिसीजंस के साथ मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का जो एंड होता है वो एक नई बिगनिंग होता है। तो अगर ये चेंज ऑफ प्लेस है, अगर किसी तरह की कोई ट्रांसफर हो रही है आपकी, या किसी तरह के एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, या फिर आपको अभी तक अंदर थे बाहर निकलना पड़ रहा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण आपको क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो किसी भी सिचुएशन में आपने नेगेटिव नहीं होना है और आपने ये नहीं सोचना है कि ये दिस इज द एंड ऑफ इट या बस अब क्या होगा। तो अपने आप को मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी बनेगी जिसमें कोई एंड होगा या कोई डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर होगी जहां पे एक तरह की आपकी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल का एंड होगा या लिटरली लाइफ में किसी सिचुएशन का एंड होगा, तो वो डेफिनेटली एक नई सिचुएशन की बिगनिंग होगी, और वो जो नई सिचुएशन होगी वो आपको कहीं ज़्यादा पावरफुल बनाएगी, कहीं ज़्यादा बेटर होगी, कहीं ज़्यादा अथॉरिटी देगी, तो आपने घबराना नहीं है और टेंशन नहीं लेनी है। उसके साथ में कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि आप लोगों के लाइफ में जो लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, या जो लोग बिजनेस अपना कर रहे थे, या मनी जो इन्वेस्टमेंट्स की थी वो लॉस में जा रही थी, या मनी को लेकर श्योरिटी नहीं आ रही थी, तो वो जो है वो चीज़ चेंज होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एटलीस्ट इतना होगा कि आप इंडिपेंडेंटली अपना ख्याल रख सकें, आप चीज़ों को एक तरह से फ्लो में ले जाएं, और धीरे धीरे ग्रोथ होगी, धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जाओगे। तो अगर जॉब की वेट कर रहे हो तो वो जॉब मिल जाएगी, अगर कहीं ना कहीं चेंज ऑफ प्लेस की वेट कर रहे हो तो वो चेंज ऑफ प्लेस हो जाएगा, और कहीं थोड़ी इंडिपेंडेंस भी आपके लिए आएगी, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी आपके लिए आएगा। तो उन सब चीज़ों का आपके लाइफ में आने के बहुत हाई चांसेस हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेफ रखो, सारी गाइडलाइंस फॉलो करो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहो। इसके साथ में ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स में कहीं कोई अप डाउन हो सकता है, या रिलेशनशिप से रिलेटेड, या किसी सिचुएशन से रिलेटेड, या फिर ये लाइक आई सेड क्वारंटाइन की सिचुएशन भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग जो एक्सपोज हुए हैं दूसरे लोगों को या किसी तरह के कोरोना संक्रमित इंसान को, तो उनको क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। तो अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं करना है, अपने आप को नेगेटिव सोच में नहीं डालना है, कुछ नहीं हुआ है, हेल्थ वाइज मुझे आपके कार्ड से बिल्कुल ठीक लग रहे हो, अगर कहीं थोड़ा बहुत कोई सिम्टम्स होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आपने अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाना है, अपने अपने आप को इस माइंडसेट में नहीं डालना है कि मुझे कुछ हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपको या आपसे रिलेटेड किसी को या तो क्वारंटाइन किया जाए, या फिर ऐसे चांसेस हो सकते हैं जहां पे आपकी रिलेशनशिप में कहीं कोई ट्रबल आ रही हो, या आपका माइंड किसी एडिक्शन की तरफ जा रहा हो, तो इस तरह की कोई ट्रबल जो है वो आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपके कार्ड्स डेफिनेटली कह रहे हैं कि अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखोगे, अगर वो लाइट जो है वो रोशनी जो है आप देखोगे, अगर गाइडेंस सही तरीके से फॉलो करोगे, तो इस सारी सिचुएशन से बहुत अच्छे से बाहर निकल जाओगे, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आप एक बेटर ग्रोथ वाली और अच्छी पोजिशन में होंगे, एक नया हेड स्टार्ट मिलेगा आपकी लाइफ को, और एक बेटर अथॉरिटी मिलेगी, मनी
मनी आपके लाइफ में फ्लो होगा, हेल्थ वाइज ध्यान रखना ज़रूरी है। और मेजरली बस ये ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है। अगर बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो चक्र ऑफ द मंथ आपका रूट चक्र यानी कि मूलाधारा चक्र आ रहा है। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने बेस चक्र को ज़रूर ज़रूर बैलेंस करें। इसकी मेडिटेशन और भी टिप्स हैं जिसके थ्रू आप बेस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं वो जो डिसीजन है, कहीं वो जो अथॉरिटी है, कहीं वो जो रिस्ट्रिक्शन है, वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि अब लाइफ कुछ अलग हो गई है, उस तरह से नहीं है, कैन आई कोप अप विद दिस, ये क्यों हो रहा है, इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं। तो उस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आपका बेस जो है स्ट्रांग हो। ग्राउंडिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, अकेले में रहना पड़ रहा है, तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा बेटर आपकी पर्सनैलिटी जो बाहर आएगी, उतना ज़्यादा बेटर आपकी हेल्थ होगी, और उतना ही ज़्यादा वो सेकेंड फेज जो आपकी लाइफ का है वो अच्छे से स्टार्ट होगा। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की बात करें आपकी, तो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपको ये रहेगी कि आपने अपने आप को मेंटली हर रोज़ प्रिपेयर करना है आगे की लाइफ के लिए। तो आपने विजुअलाइज करना है कि आप कैसे घर से बाहर जा रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में करनी है, क्या आपके गोल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में विजुअलाइज करनी है आगे आने वाली ग्रोथ के लिए। और सेल्फ लव आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है। तो मैं वीडियोज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सेल्फ लव की, मेडिटेशन की, ग्राउंडिंग की, और आपने इन चीज़ों को ज़रूर ज़रूर इस मंथ में प्रैक्टिस करना है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। कलर ऑफ द मंथ आपके लिए रेड, येलो, ऑरेंज, इनकी कोई भी शेड्स जो है वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो इन शेड्स को अपने आसपास रखिए, पहनिए, इस कलर के कपड़े आपके लिए बेहतर रहेंगे। और नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए रहेगा नंबर 9। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए और जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको डेफिनेटली फॉलो कीजिए, चाहे वो अपने आप को सेफ रखना हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, सारी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। और अगर कोई गाइडलाइंस आपके प्रोफेशन के साथ या आपके इस टाइम के लाइफ स्टाइल के साथ बहुत स्पेसिफिकली आपके लिए आ रही हैं, तो उनसे डरने के बजाय उनको फॉलो कीजिए। जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतनी जल्दी सारी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ सेफ रहिए, मास्क पहनिए अगर बाहर जाना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत जाइए, अगर क्वारंटाइन में है तो क्वारंटाइन को फॉलो कीजिए पूरी तरह से, हैंड ग्लव्स लगाइए अगर ज़रूरत पड़ती है बाहर जाने की तो, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। सेफ रहिए, मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बी सेफ, बाय बाय।